उसी नीम के दरख्त के पास हूं जहां तुमने कहा था। पैसे कहां हैं ये बताओ। अच्छा हाँ ठीक है। रक्षा रक्षा भाई, गुलिस्तानी जौहर जाने कितने पैसे लोगे? दिल कर जाना भाई। अरे भाई मैं रोजाना जाता हूँ, 120 रुपया देता हूँ भाई। सीएनजी बन जाए 180 रुपये दे देना, आगे चलना तो भाई। आप लोग का रोना धोना खत्म नहीं होता, सीएनजी बंद है, पेट्रोल पे चल रहे, मुनासिब कर दो भाई। हालात भाई बड़े ख़राब हैं, चलना चलो मना मैं चलूँ भाई। भाई देर हो रहा है, अब 140 रुपये ले लें। 160 150 ले रहे यार। तुम लोग की वजह से ना हम लोग का बड़ा नुकसान होता है यार भाई। जल्दी वरना 120 से ज़्यादा नहीं रहता मैं तो भाई। यार कोई बात नहीं होती। कितने पैसे मिले? पूरे 50,000 जितने डिमांड किए थे। फायदा क्या, 50,000 में से 20,000 तो भाईजान के पास चले जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 30,000। हाँ तो क्या हम भाईजान को बीच में से निकाल नहीं सकते? सारी मेहनत तो हमारी होती है, बच्चे अगवा हम करें, पैसे की डिमांड हम करें, यहाँ तक के पैसे लेने भी खुद जाएं, हाँ, और सारे पैसे भाईजान ले उड़ते हैं। अब पागल वागल हो गई क्या? भाईजान के एरिया में काम कर रहे हैं और तू कह रही है कि भाईजान को ही कटा दे। इधर रहना है या नहीं? मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। सोचना भी नहीं, भाईजान की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पुलिस कचहरी का चक्कर हो गया ना तो भाईजान बैठे हैं पीछे। तो ठीक है, किसी बड़े आदमी का बच्चा अगवा करो ताकि रकम भी ज्यादा मिले। अबे तेरा तो वाकई में दिमाग खराब हो गया है। बड़े लोगों के ताल्लुकात भी बड़े होते हैं, 2 मिनट में ढूंढ के निकाल लेगा। अपना यही काम ठीक है, गरीब का बच्चा उठाओ, 50-60 हज़ार की डिमांड करो, पैसा लो, बच्चा छोड़ दो बस। ठीक है, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। अच्छा ये बताओ खाना क्या बनाया? गोश्त बनाया। वाह भाई वाह, अय्याशी होगी हैं, पैसे आ गए। जाओ लेकर आओ खाना। अभी लाई। शायदा। हाँ आ गए, पानी लाओ। ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे चलो चलो। बिल्कुल पूछने वाली बात है, कल जब मैं बगैर पूछे पानी ले आई थी तो पिया था? देख मैं अभी घर में घुसा हूँ, तुझसे बहस करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मुझ में। जा पानी लेकर आ यार। आए। ओह। उसे मैंने कुछ कहा था। ले लो। क्या करती रही सारा दिन? अरे वो नाश्ताबाजी आई हुई थी अपनी पड़ोस वाली, उन्हीं से बातें करती रही। अरे पता है इतना अच्छा मोबाइल दिया ना महंगा वाला उनके मियाँ ने। तो मैं क्या करूं? तुम कुछ करते होते, किसी काबिल होते तो आज मेरे पास वो सब कुछ नहीं होता जो दूसरी औरतों के पास है।
ईद तक पर तो नया सूट दिलाया नहीं था। फिर बकवास शुरू कर दी इसने। हाँ तो गलत कह रही हूँ, कुछ बताओ ना, पिछले साल का सूट पहना था इस दफा भी। दिमाग खराब नहीं कर यार, जा खाने लेकर। अरे देखो 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 सच्ची से, ये जो इश्तेहार में मोबाइल है ना, यही वाला सेम यही मोबाइल दिलाया था उनको। तेरी नासरा बाजी है ना, उनका शौहर एनजीओ चलाता है और तेरा शौहर रिक्शा चलाता है। मुकाबला मत कर, जा। अरे जाओ काम करो अपना, खराब करके रख दिया, घर पे आना भी अजाब हो गया जब देखो चिक चिक पिक पिक। हेलो जी 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 भजन जी, भजन समझ गया मैं। हाँ स्कूल की छुट्टी का टाइम होने वाला भाईजन। जी हाँ, तो सब बच्चे निकलेंगे स्कूलों से, बिल्कुल सही है भाईजन, हम भी अभी निकल जाते हैं। हाँ हाँ बस ठीक है, मैं पहुंच के आपको बताता हूँ। जी भाईजन, ओके। क्या कहा भाईजान ने? अरे वो जो गफ्फार जनरल स्टोर वाला है ना, उसके बच्चे को उठाना है। और पैसे कितने मांगने? वही 50,000। कम अज कम उससे तो ज्यादा पैसे मांग लो, तुमने देखा नहीं उसके स्टोर पे कितना रश होता है, दिन रात ग्राहक ही ग्राहक होते हैं। हाँ कहती तो तू सही है, कमाई तो ठीक ठाक है उसकी। मैं तो कहती हूँ कम अज कम 1,00,000 की रकम मांगो उससे। चल ठीक है, लेकिन देख भाईजान को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम उन्हें डबल क्रॉस कर रहे हैं। अरे उन्हें कौन बताएगा। चल ठीक है, चले फिर मिशन पे, मोबाइल ले लेना मेरा अभी। आज ये गेम भी हो जाए, मजा आ जाएगा। बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया? बच्चे का बाप आ गया स्कूल की तरफ। हाँ? हाँ। आए? मैंने अभी देखा उसे गली के कोने पे। लाला। वालेकुम अस्सलाम। जरा आरिस को तो बुला दो। अरे वो तो चला गया। चला गया? मैंने तो उससे कहा था कि मैं लेने आऊंगा, वो खुद से कैसे चला गया? और मैं तो घर से आ रहा हूँ, वहाँ तो नहीं पहुँचा वो अभी तक। वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो चला गया। हेलो, बच्चा मेरे पास है। कौन है तुम? अगर बच्चे की खैरियत चाहता है तो फौरन कब्रिस्तान वाले रोड पर पहुंच, जल्दी आ, बात नहीं कर, जल्दी कर। बस अभी आया। शुक्र है मुसीबत को टली। हाँ। जल्दी करो यहाँ से निकलो, उनको रक्षा पकड़ो। चल चल चलो जल्दी करो। भाई सिंधी होटल जाना है। जाएंगे। जल्दी बैठो। 200 रुपए लूंगा। हाँ हाँ दे देंगे, बस अब तुम जल्दी चलो। बढ़िया। ये बच्चा बीमारी मार है क्या? हाँ तबीयत ठीक नहीं है बच्चे की। आजकल के स्कूल वाले भी जो है ना, वे सही हरकत नहीं करते हैं। बस छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तेरे भारी भारी भत्ते जो हैं उनके कंधे पे लाट देते हैं। हाँ 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 ठीक कह रहे हो। अरे हुआ क्या? कुछ नहीं, बहुत दिन से बुखार था, आज बेहोश हो गया। अरे यार बच्ची को लाने की जरूरत क्या थी बाजी, छुट्टी करा लेती, मासूम था तो बच्चा बेचारा। तुम ज्यादा बातें मत करो और रक्षा चलाओ तेज। जो बाजी आप जैसा बोले वैसे चलाएंगे। ये लो भाई। अल्लाह के बच्चों को सेहत दे।
इंस्पेक्टर साहब खुदा के लिए कुछ करें, मेरे बच्चे का पता कराएं ना। आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, हम मुजरिमों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सर अब तो वो नंबर भी बन जा रहा है जिससे कॉल आई थी, पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ क्या करेंगे। देखिए आप हौसला रखिए, वो आपके बच्चे के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे पास पहले भी ऐसी शिकायतें आई हैं, लेकिन माँ बाप ने पहले ही पैसे देके अपने बच्चे बाजियाब करा लिए और हम तक बात ही नहीं पहुँचने दी। लेकिन इस बार मुजरिमों को अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सर मैं अब क्या करूँ? आप ऐसा करें कि अपने घर जाएं, आपके घर वालों को इस वक्त आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, जिस नंबर से कॉल आ रही थी वो नंबर यहाँ पर लिखवा दीजिएगा प्लीज़। बेहतर। शुक्र है सही सलामत घर पहुंच गए, आज तो मारे ही जाते। देखा तुमने भाईजान ने कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दी कि बच्चा स्कूल से खुद घर जाता है, एंड टाइम पे उसका बाप टपक पड़ा। शुक्र है मेरा दिमाग सही वक्त पे चल गया, अब इसका बाप ढूंढ रहा होगा इसको कब्रिस्तान वाले रोड पर। मैं इसके खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। देख पहले खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दे घर के, अगर इसने होश में आके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया ना तो सारा मोहल्ला अंदर आ जाएगा। क्या तो तुम ठीक रहे हो, याद है स्कूल के हेडमास्टर का बच्चा उठाया था, कैसा चीख चीख के उसने पूरा घर सर पे उठा लिया था। हाँ और फिर कपड़ा ठोसना पड़ा था उसके मुंह में। खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके इसके खाने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ, पेट भरा रहेगा ना तो सुकून से पड़ा रहेगा एक तरफ। अच्छा ला मोबाइल दे मेरा, फोन घुमाऊँ इसके बाप को, उस वक्त तो फोन बंद कर दिया था मैंने। मेरे पास कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? फिर कहाँ है? मुझे क्या पता, पागल वागल तो नहीं हो गई? तुझे ही तो दिया था। मुझे कब दिया था? अबे जब मैंने बच्चे को उठाया हुआ था तो मोबाइल का होश रखना चाहिए था ना तुझे। टेंशन से मेरे पसीने छूट रहे थे, मैं तुम्हारा मोबाइल कहाँ संभालती फिरती। अबे क्या मोबाइल रक्षे में तो नहीं रह गया? जाहिर सी बात है और कहाँ रहा होगा। छोटे यार दूध पत्ती लेकर आ जा फटाफट। जरा देखूं तो ये चीज क्या है यार, मुझे तो ये खोलना भी नहीं आ रहा। अब टेंशन लेने से क्या होगा, मसले का हल ढूंढो। जब भाईजान को पता चलेगा ना कि उनकी दी हुई सिम खो दी हमने तो वो जान से मार देंगे हमें। तो कौन बताएगा उन्हें, तुम दूसरी सिम ले लो। हाँ अपने नाम की सिम निकलवा लूं और एक ही दिन में पकड़ा जाऊं, अकल घास चरने तो नहीं गई तेरी। तो अब क्या करेंगे? वही सोच रहा हूँ, एक काम ढंग से नहीं करती तू, एक काम। अच्छा बस बस, अब दोबारा से ना मुझ पे शुरू मत हो जाना, मसले का हल निकालो। अम्मी अम्मी अब इसको देख ले, ये भी होश में आ गया, इसके बाप को अभी तक मैंने पैसों के लिए फोन तक नहीं किया। आओ बेटा इसे मैं देख लूंगी। बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को दूं? नहीं मुझे मेरे अम्मी अबू के पास जाना। वो आपसे कल मिलने आएंगे। नहीं मुझे अभी जाना है। बेटा हम कल चलेंगे ना, अभी तो बहुत रात हो गई है। नहीं मुझे अभी जाना है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, आप खाना खा लो। मुझे अभी जाना है। हम कल लेके जाएंगे आपको मिलवाने। अबे ओ कितनी बार तुझे समझाया, अब ज्यादा आवाज निकाली ना तो काट के डाल दूंगा तुझे मैं। कह दिया ना सुबह छोड़ देंगे तुझे तेरे घर पे, समझा? चुप हो जाओ बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं है। अब अगर इसके रोने की आवाज आई ना तो इसका मुंह जला के रख दूंगा मैं। चुप हो जाओ, आप इधर आओ मेरे पास। हमने आपसे कहा ना हाँ आपको कल लेके जाएंगे, आपके अम्मी अब्बू से मिलवाना। क्या जरूरत थी उसके इतने जोर से बाल नोचने की, अभी तक बैठा रो रहा है वो। अरे तो तुझे क्या तकलीफ है, तेरी सगी औलाद है क्या? है तो बच्चा ना।
देख वो हमारा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं, समझी तू? देखो कमाल, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अरे तो मैं क्या करूं, वो नंबर तो बंद था और अभी भी बंद है। तुमने उस वक्त मिलाया था, बन जा रहा था, अभी फिर मिला के देख लो, क्या पता खुल गया। अरे तेरे नंबर से मिला रहा हूँ, तेरे नाम पैसे में तेरी पकड़ाई हो सकती है हमारी। अब तो हम कौन सा बच्चे के बाप को फोन कर रहे हैं, हम तो सुरक्षा वाले को फोन कर रहे हैं, उससे कहेंगे हमारा मोबाइल दे जाए। हाँ जिस तरह हम बड़े ईमानदार हैं, इस तरह वो भी बड़ा ईमानदार होगा और फोन ला के दे देगा हमें। अबे सब दो नंबर है यहाँ पर। अरे तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? जा जा लेके अपना फोन, कर लेते कोशिश, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो फोन वापस कर देगा, बता रहा हूँ तुझे। अभी ला रही हूँ। अनवर, अनवर! क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है? ओ तू, क्या मुसीबत है तेरे साथ? तू कितना अच्छा है ना? तू पागल आगल हो गई है, तेरा दिमाग खराब है? रात को इस वक्त मुझे उठाकर तू मुझे बोल रही है कि तू अच्छा है? अल्लाह की कसम तुझे मेरे कितना ख्याल है। अरे हुआ क्या है, साफ साफ बताती क्यों नहीं, क्यों पहले बुझा रही है? तू मेरे लिए मोबाइल ले गया, तूने मुझे बताया भी नहीं। ये तुझे कहाँ से मिला? यहाँ बज रहा था। इधर ला, इधर दे। क्यों? फोन आ रहा होगा। किसका? अरे जिसका ये फोन है। किसका है? अरे पैसेंजर का है, रिक्शे में भूल गया था, कल सुबह देकर आऊंगा। तो मतलब तू मेरे लिए नहीं लाया? नहीं भाई। तो छोड़, क्या जरूरत है वापस करने की? क्या मतलब है? मतलब दफा कर, हम इस्तेमाल करेंगे। किसी और की चीज है शायदा। हाँ तो क्या हुआ, हमने कहा था भूल कर जा, उसकी गलती है। शायदा बहुत बुरी बात है। अरे बुरी बात तो तब होती ना जब हम छीनते या चोरी करते, ये तो हमें किस्मत से मिला है भाई, हमारी मर्जी, हम इस्तेमाल करेंगे, मैं वापस नहीं देने वाली, मैं बता रही हूँ। बुझ रहा कहाँ से सही होगा? अरे ये जी दबा के देखना। नहीं हो रहा इसको, चल जाओ। हेलो हेलो, हाँ ये मेरा मोबाइल है, दोपहर को मैं एक रक्षे में भूल गया था। ओ भाई तबीयत तो ठीक है तेरी, ये मेरा मोबाइल है। देखो ये मेरा मोबाइल है, मुझे वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा धमकी दे रहा है, अब तो कभी वापस नहीं करूंगी, जा जो करना है कर ले, चल निकल। कितनी जहरीली है तू शायदा। चुप करके सो जा, सुबह काम पे जाना है, चल। भाई कब तक आएंगे इंस्पेक्टर? आने वाले होंगे साहब, काफी टाइम हो गया यार। आ गए साहब। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे का कुछ पता चला? हाँ जी गफार साहब, आपको जिस नंबर से कॉल आती थी वो कराची से बाहर का। सर कराची से बाहर का मतलब कहाँ का? पंजाब के शहर बखर का। यानी उन लोगों ने मेरे बेटे को वहाँ रखा हुआ है? नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसे ग्रोह कराची से बाहर का नंबर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़ाई में ना आ सके। तो सर अब क्या होगा? अब देखें कल तो वो नंबर बंद था, अगर आज खुल जाता है तो फिर हमें ट्रेस करने में आसानी होगी। कम से कम मुझे पता तो चले कि वो लोग चाहते क्या है, ताकि मैं कुछ दे दिला के जान छुड़ाऊं। गफ्फार साहब आप जैसे लोग यही तो गलती करते हैं कि इन जैसे लोगों को पैसा देकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। सर आप ही बताइए कि हम क्या करें हम लोग, जब वो लोग हमारे बच्चों को अगवा कर सकते हैं तो उन्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। देखिए पुलिस को आपके भरोसे की ज़रूरत होती है, अगर आपका भरोसा हमें मिलेगा तो हम काम कर सकेंगे, वरना तो फिर हम ये पूरे का पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क इन चोर डाकुओं के रहमोक्रम पे छोड़ दें। सर मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद जी सर, वो जो नंबर दिया था वो चेक करो खुला है या नहीं। ठीक है सर। अच्छा सर मैं जरा घर से होके आता हूँ, मेरी वाइफ ने रो रो के बुरा हाल किया। जी बिल्कुल। क्या भेज रहे हैं भाईजान? अरे किसी लड़के के हाथ सिम भेज रहे हैं, कह रहे हैं उससे कॉल करो। तो भाईजान के नाम पे सिम है, उनकी पकड़ाई नहीं होगी? उनके नाम पे सिम नहीं होती, सारी सिमें शहर से बाहर की होती हैं। चलो ये तो अच्छा है, अब सिम आ जाएगी ना, जल्दी से फोन कर लेंगे। हाँ तू जाके बच्चे के पास बैठ। कमाल
मुझे तो तरस आ रहा है बच्चे पे। मना किया ना तुझे बच्चे पे तरस खाने को? सिर्फ पैसे की नजर से देख उसको, पैसे की नजर से। मगर कमाल फिर भी। क्या फिर भी हैं? पहले ही मोबाइल रक्षे में भूल के तूने वाट लगवा दी मेरी, और बच्चे के लिए ममता दिखा रही है अब तू? तुमने फोन किया था मोबाइल वाले को, क्या कह रहा था वो? मोबाइल वाले को नहीं, मोबाइल वाली को, कोई औरत थी, बदतमीजी करके बंद कर दिया। हद हो गई, ईमानदारी नाम की तो चीज ही खत्म हो गई इस दुनिया में। अबे ये क्या कर रही है? फोटो ले रही हूँ, फोटो। क्या ले रही है? सेल्फी। अब वो क्या होता है? देख, एक तो हम किसी की तस्वीर खींचते हैं, और जब हम खुद फोटो खींचते हैं ना, उसको सेल्फी कहते हैं। हाँ। आजा तेरे साथ मिलूं। मुझे कोई शौक वोक नहीं है। तू तो बस हमेशा ना जलता रहे ना मुझसे, जल कुकड़ा कहीं का। वैसे कितने का हो गई ये मोबाइल? बराबर वाली फायदा से पता किया था मैंने कि ये कम अज कम 50,000 का तो होगा। अबे तेरा दिमाग खराब है, तू पूरे मोहल्ले में ये चीज लेके फिर रही है? हाँ तो क्या हो गया, जब पड़ोस में कोई नई चीज आती है तो वो शू नहीं मारते? अगर मैंने थोड़ी सी मार ली तो क्या हो गया? अबे हमारे बाप दादा ने भी कोई 50,000 रुपए देखे? तू जाके पूरे मोहल्ले में जाके दिखा रही है? ये दे मुझे, दे मुझे। क्यों दो? अरे मुझे दे, मैं इसको जाके मार्केट में बेचाऊंगा। थोड़े दिन तो इस्तेमाल करने देना, देख। अरे तू मेरी बात तो समझने की कोशिश कर। अरे 50,000 रुपए से हमारे कितने महीने निकल जाएंगे। मैं तेरे लिए कोई दूसरा मोबाइल लेकर आ जाऊंगा, तू मुझे ये दे दे। हैं, मगर कैमरे वाला होना चाहिए। अरे तू फिक्र क्यों करती है, कैमरे वाला ही लेकर आऊंगा तेरे लिए, परेशान मत हो। मैं जा रहा हूँ थोड़ा, एक दिन। अरे कल कर लियो। सर वो नंबर ऑन हो गया है जो गफ्फार साहब लिखवा कर गए थे। गुड, तुम उस नंबर को ट्रेस करके पता लगाओ कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है सर। ये काम जरा जल्दी करो इससे पहले कि वो नंबर बंद हो जाए। हेलो। देर से फोन करने की माजरत चाहता हूँ, लेकिन अब टाइम जाया किए बगैर 1,00,000 रुपए कैश लेकर उसी कब्रिस्तान वाले रोड पर आ जाओ। होशियारी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अब तक तुम पुलिस वालों को तो बता ही चुके होगे। लेकिन अब अगर पुलिस वालों को बताया तो बच्चे की लाश मिलेगी। देखो भाई, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, अब बिला वजह पुलिस को बताकर अपने बच्चे की जान खतरे में मत डालना। ठीक है, कब लेकर आने पास? ठीक शाम 5 बजे। यार ये मोबाइल बेचना है। क्या डिमांड है भाई? क्या मतलब? भाई मैं कह रहा हूँ कितने का बेचना है तुमने? 50,000। अबे यार क्यों मजाक कर रहे हो? ओ भाई नया डब्बा पैक ही 35,000 रुपए का आ जाता है यार, और तुम 50,000 बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि ये 50,000 रुपए का। तुम्हारा अपना ही है या कहीं से पड़ा हुआ मिला भाई? मेरा है। हाँ, डब्बा और चार्जर है इसका तुम्हारे पास? वो तो नहीं है भाई। फिर तो मैं इसके तुम्हारे को 15,000 से ज्यादा नहीं दे सकता, और इस वक्त मार्केट में कोई भी नहीं लेगा विदाउट डब्बा चार्जर के। रहने दो, नहीं बेचे। सही है भाई, जाओ यार, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। अरे गफ्फार साहब आराम से बैठिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब उनकी अभी फिर कॉल आई थी। जी हमें पता है, उनका फोन ऑन हो गया है, हम उसे ट्रेस कर रहे हैं। नहीं सर, अभी किसी और नंबर से कॉल आई है। क्या, किसी और नंबर से? दिखाइए। ये देखिए सर। क्या कहा उन लोगों ने? सर 1,00,000 रुपए डिमांड किए शाम 5 बजे तक, और धमकी दी है कि पुलिस को अगर बताया तो वो मेरे बेटे को चांद से मार देंगे। अरे गफ्फार साहब आप फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे को वो कुछ नहीं करेंगे वो लोग। देखिए सर, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलता है, 1,00,000 रुपये देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं चाहता तो खुद जाके डील कर सकता था, मगर आपने कहा कि पुलिस पर भरोसा करें, इसलिए मैंने आप पर भरोसा किया। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए सर। आपने हम पे भरोसा करके हमारी हिम्मत बढ़ाई है, आप बेफिक्र रहें, आपके एतमाद को नहीं तोड़ेंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। सर एक नंबर ट्रेस हो गया है, पर मसला ये है कि वो एक जगह टिक नहीं रहा है,
शहर की मुख्तलिफ जगह की लोकेशन आ रही हैं। अच्छा, तो मैं काम करो, नफरी तैयार करो और इस लोकेशन को ट्रेस करके उसे फौरन गिरफ्तार करो। ठीक है सर। और सुनो, ये एक नंबर है जिससे गफार साहब को कॉल आ रही है, इसको भी ट्रेस करो। ठीक है सर। गफार साहब, आप शाम को 5 बजे वहाँ चलने की तैयारी करें जहाँ उन लोगों ने बुलाया आपको। मेरे कुछ सिपाही सादा लिबास में आपके साथ होंगे। मुझे मेरे घर जाना है, आप लोग बहुत बुरे हैं। बेटा ऐसे नहीं कहते, हम आपको कल लेके जाएंगे ना आपके घर। आप बहुत बुरी हैं, आप झूठ बोलती हैं, आप मुझे घर नहीं लेकर जाएंगी। ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात होती है, हम लेके जाएंगे आपको कल। हाँ भाई, इसके बाप को बुलाया 5 बजे पैसों के लिए। 5 तो बजने वाले हैं, चलें क्या? नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर? पहले तो अकेली जाएगी और वहाँ देखेगी कोई पुलिस वाले तो मौजूद नहीं है। मैं अकेली जाऊंगी? हाँ तो क्या हो गया, तेरे पे शक नहीं होगा किसी को? तो ठीक है फिर, 5 बजने वाले हैं, तुम इसको संभालो, मैं जाकर देख कर आती हूँ। बैठ जा बे। कमाल, आज तो मैं बाल बाल बच गई। क्यों, क्या हो गया? बच्चे के बाप के साथ साथ पुलिस वाले भी थे, वो भी सादा कपड़ों में। क्या, मेरा इतना कहने पर भी उसने पुलिस को बुला लिया? उसकी ऐसी की तैसी, देखता हूं मैं उसको। हेलो भाई, आप आए नहीं अब तक। मैं काफी देर से यहाँ पे खड़ा हुआ आपका इंतजार कर रहा हूँ। पागल समझता है तू मुझे? क्या मतलब? पुलिस वालों को साथ लाया ना तू? नहीं 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 नहीं, झूठ मत बोल, मत बोल झूठ। अब तुझे तेरे बच्चे की लाश किसी नदी नाले से मिलेगी। देखो देखो, तुम लगा वास्ते मेरे बच्चे को कुछ मत करना। अब तू सिर्फ देख, मैं करता क्या हूँ तेरे बच्चे के साथ? मैं तुम्हें जितने पैसे कहोगे दे दूंगा, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। हेलो हेलो, क्या हुआ, कितने का बिका मोबाइल? 15,000 रुपए दे रही था वो। हैं? लेकिन फायदा तो 50,000 कह रही थी। हाँ? फायदा का तो मुफ्त कम हुआ, 50,000 कह दिया, उसे क्या पता? दुकानदारी मुझे शक कर रहा था कि 50,000 क्यों बोल रहा हूँ। चल दफा कर, अच्छा है मैं इस्तेमाल कर लूंगी। हाँ ले ले। वो कौन आ गया इस टाइम? रुक वे यार, आ रहा हूँ। गेट खोल। क्या हो रही है? बताते हैं तेरे को, मोबाइल कहाँ है? मोबाइल कहाँ है? कौन सा मोबाइल? लेके चलो इनको। आप भी चलो। चलो तुम चलो। भैया हुआ क्या है, इसको ऐसे पकड़ ले हो? बताते हैं तेरे को क्या हुआ। गफार साहब, आप हौसला करें। कैसे हौसला करूं, कैसे हौसला करूं? अरे गलती मेरी थी जो मैंने आप लोगों पर भरोसा किया, मुझे खुद ही पैसे लेकर चले जाना चाहिए था। देखिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। आपकी गारंटी से क्या होता है? आप यहाँ बैठकर सिर्फ गारंटियां देते रहे और वह 2 दिन से मेरे बच्चे का कुछ पता नहीं चला। अरे गफार साहब, गफार साहब, मेरा कसूर क्या है मुझे बता तो दीजिए सर जी। सर, ये दोनों वही है जो ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे। मोबाइल? अल्लाह कसम सर जी, मैं तो अगले दिन वापस करने जा रहा था, पर मेरी बीवी ने मेरे दिल में लालच डाल दी। अल्लाह कसम, चुप कराए वरना मार मार के खाल उतार दूंगा। ये बता बच्चा कहाँ है? कौन सा बच्चा सर जी? देख आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, वरना तुम दोनों मियाँ बीवी को मार के फेंक दूंगा मैं, बाहर किसी को पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह कसम सर जी, मुझे कुछ नहीं मालूम है, आप बेकार मुझे शक कर रहे सर जी, मैं बहुत बेकसूर हूँ जी। देखो आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, वरना भेजे में गोली मारूंगा सीधी। सर जी,
मैं समझ गया सर जी, आपको गलतफहमी हो रही है, बच्चा हमने अगवा नहीं किया है जी, मैं सच बता रहा हूँ, अल्लाह कसम ऐसे कुछ नहीं है सर जी। तू ऐसे बाज नहीं आएगा, ओए लेके जाओ दोनों को इन्वेस्टिगेशन रूम में, अभी आता हूँ मैं, लेके जाओ। मेरी बात तो सुने आप, ले जाओ दोनों को। अच्छा तो ये बात है। हाँ सर जी, अल्लाह की कसम ये सच कह रहा है, हमारी तो सिर्फ इतनी सी गलती थी कि हमने लालच में आके मोबाइल रख लिया था, वरना हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी बात का यकीन करो। कहाँ छोड़ा था उन दोनों भी अभी को तुमने? सर जी अल्लाह कसम, सिंधी होटल पे छोड़ा था। घर तो याद होगा ना तुझे? नहीं सर जी, वो लोग ना मेन रोड पे उतर गए थे, वहाँ से आगे चल कर गए थे। उन लोगों ने कभी मोबाइल लेने के लिए तुमसे रब्ता नहीं किया? हाँ सर जी, कॉल आई थी एक दफा, मैंने मना कर दिया मोबाइल देने से और फोन बंद कर दिया था, मेरी गलती है। एक काम करो, तुम उनके नंबर पे फोन करो और उनसे मोबाइल वापस करने की बात करो, और देखो जरा सा भी शक नहीं होने पाए कि तुम पुलिस वालों के साथ मिले हुए हो। अगर वो इस मर्तबा मेरे हाथों से निकल गए ना, तो तुम दोनों नहीं बचोगे मुझसे। नहीं सर जी, हम करेंगे कॉल, करेंगे, बोलो ना, करेंगे ना। हाँ जी करेंगे। मुझे नहीं लग रहा बच्चे का बाप पैसे देगा। तो मार दूंगा मैं इसको। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? एक नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। अरे वो पहले वाले नंबर से फोन आ रहा है, उठाओ उठाओ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ मैं वो रिक्शे वाला बोल रहा हूँ। जी वो रिक्शे वाला जिसके परसों जिसके रिक्शे में आप मोबाइल भूल गए थे ना, वो? हाँ वो बाद में कॉल की थी हमने। भाई माजरा चाहता हूँ, मेरी बीवी समझी मैं शायद उसके लिए मोबाइल खरीद कर लाया हूँ, उसने बदतमीजी कर दी, मैं उसके लिए माजरा चाहता हूँ आपसे। आप मुझे बताएं मैं कहाँ लेकर आऊँ? खैर तो है, इतनी ईमानदारी क्यों दिखा रहे हो? भाई कभी हराम खाया नहीं है ना, और आप भी तो हमारी तरह हलाली कमाते हो ना, इसलिए आप ये बताओ आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? ठीक है। अल्लाह सेहत दे आपके बच्चे को। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैं जो जगह बता रहा हूँ ना, उस जगह आ जाओ, मैं भी वहीं आ जाता हूँ। जी बेहतर, मैं आता हूँ। उसने शांति नगर में बुलाया। कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया? वो मोबाइल वाले का फोन था, मोबाइल लेने जा रहा हूँ। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। हेलो। क्या आ गया? मैं यार डरा क्यों रहा है? मोबाइल दो ना यार। मोबाइल भी देंगे ना तुम्हें यार, ये लो भाई तुम्हारे लिए मोबाइल। अरे भाई रुको, ये तुम्हारे लिए कोई और चीज भी लेकर आ रही हूँ। क्या? ये देखो ना यार, ये है तुम्हारे लिए। अबे तेरी क्या हुआ, ऐसी की तैसी इधर आ। ओए पुलिस वाले भाई साहब, जल्दी आयो। We'll be right back.